नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कॉपीराइट जो मेज टूल होता है वो आखिर कैसे काम करता है, और उससे हम अपनी जो कंटेंट है अगर किसी दूसरे बंदे ने यूज कर रखा है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चलना होगा अपने क्रोम ब्राउजर पे। जैसे हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा बाइटी स्टूडियो। मैं अपना बाइटी स्टूडियो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ओपन हो रहा है तो इसके बाद हमको चलना है जो ये कॉपीराइट वाला ऑप्शन है ना, मतलब इस पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखो हमारी ये जो वीडियो है, तो ये अदर जो चैनल है, देखो इतना बड़ा चैनल है, और फिर मतलब मेरे से अभी बहुत बड़ा चैनल है ये, फिर भी इन्होंने मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो यूज कर रखी है, जिसपे मतलब व्यूज वगैरह तो कम ही है। ठीक है, लेकिन देखो जैसे ये है, लेकिन इसके मतलब सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मेरे पे व्यूज ज्यादा आ रखे। और यहाँ से आप देख सकते हो कि मैच कितना परसेंट कर रही है वीडियो, तो उसका परसेंट भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 100% मैच बता रहा है, तो मतलब इन्होंने मेरी जो कि त्यो वीडियो अपलोड अपने चैनल पर कर रखी है। अगर मैं चाहूँ तो इनको देखो, जैसे वीडियो पर क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है ना, रिक्वेस्ट वीडियो रिमूव, तो इस पर क्लिक करके हम इसको इजिली मतलब रिमूव कर सकते हैं स्ट्राइक देके। ठीक है, अगर उनको कुछ उनसे कॉन्टेक्ट करना है, जैसे कि इस पर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट करता कि भाई मुझे कुछ रेवेन्यू आप दे दीजिए, नहीं तो मैं स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक वगैरह देके आपके वीडियो को डिलीट करवा सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ऐसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और देखो जैसे ये तो ये हो गए। ठीक है ना, अब देखो मेरी एक राय है आपसे कि भाई तब तक अपन को कोई भी स्ट्राइक नहीं देनी है जब तक कि अपने वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज नहीं आ जाए। ठीक है ना, इससे पहले हमको मतलब कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं देनी है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे रिमूवल अगर रिक्वेस्ट कर देते तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा, इसके बाद मैसेज वगैरह यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है ना, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आपको चाहिए वीडियो कि कॉपीराइट स्ट्राइक आखिर देते कैसे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।